तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं के पिसंत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो यहां पर ये हम अभी खड़े हुए हैं मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, और यहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। और इसका जो प्लेटफॉर्म लेवल है उस पर रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। और आप लोगों को बता दूं कि दुहाई से लेकर मुरादनगर के बीच में दोस्तों OHE वायर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इलेक्ट्रिक सिटी के जो खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा देने के बाद में दोस्तों OHE वायर का काम अभी नहीं हुआ है, तो दिखाएंगे चल के आप लोगों को आगे। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कौन कौन लेवल पे ये रेलिंग भी लगी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर रेलिंग भी लगा दी है, और दोनों साइडों में ही दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, उधर का भी देखो जोड़ दिया उन्ना वॉकवे, और इधर का भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो टीम वो वहाँ पर लगी हुई है NCRTC की, जो कि तेज़ी के साथ में काम कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों डेंट पेंट का भी काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। और यहाँ से हम चलेंगे मोदी नगर साउथ का स्टेशन, दिखाएंगे चल के आप लोग। उससे पहले देख सकते हो ये बीच का डिवाइडर बना दिया, उसमें मिट्टी भी डाल दी है, और मिट्टी डाल लेने के बाद में बीच में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तस्वीरें देख सकते हो जैसे उधर लगाए गए हैं वैसे ही लगाए जाएंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को। किस तरीके से दिल्ली मेरठ RRTS को बनाया जा रहा हो दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। जो बीच का डिवाइडर था दोस्तों उसमें डिवाइडर बना के इसमें मिट्टी डाल दी है, कहीं कहीं इस पर प्लांटेशन भी दोस्तों कर दी जा चुकी है। और ऊपर की आपको बता दूं कि ऊपर का जो इलेक्ट्रिक सिटी की वायर थी ना दोस्तों वो भी लगा दी जा चुकी है, इधर ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है दोस्तों। अब जो ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है दोस्तों वो किया जा रहा है मोदी नगर साउथ का स्टेशन से लेकर और मोदी नगर नॉर्थ का जो स्टेशन है उसके बीच में ट्रैक बिछाया जा रहा है, और वहीं पे दोस्तों आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं और वहीं के लिए। और उससे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये डबल पिलर इसलिए हैं क्योंकि ये लेफ्ट में कर्व ले लेती है, क्योंकि बीच में ये मुरादनगर की कैनाल है दोस्तों, बीच में ब्रिज आ रहा है कैनाल के, तो इसी वजह से यहाँ पर ये लेफ्ट में आ जाती है और फिर आगे जाके फिर ये बीच में आ जाती है दोस्तों। तो देखते हैं और कैनाल दिखाते हैं दोस्तों, और इसे मुरादनगर को छोटा हरिद्वार भी बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखो आप लोग तस्वीरें, सारा ही काम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब जो काम किया जा रहा है दोस्तों वो किया जा रहा है मोदी नगर के अंदर ही दोस्तों, इस पर सारा काम हो चुका है, ट्रैक भी सारा कंप्लीट ही है ऐसा समझ लो। चलेंगे मोदी नगर साउथ का स्टेशन आप सभी को दिखाएंगे चल के दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ ये छोटा हरिद्वार मुरादनगर की कैनाल को क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक लेफ्ट में ये नाले कैनाल के किनारे किनारे चला जाता है दोस्तों, मुजफ्फरनगर जाकर निकलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी ये डबल पिलर दे रखे हैं, डबल पिलर इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये लाइन बीच में आ जाती है जैसे पीछे थी दोस्तों। आगे चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए KP संत। और इसका 20 अक्टूबर को श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे दोस्तों। साहिबाबाद से लेकर दोहाई तक के बीच में दोस्तों 17 किलोमीटर का पार्ट है, पैकेज 1 बोलते हैं उसको,
उसी का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद में आम जनता के लिए दोस्तों खोल दिया जाएगा। तो देखो जितने सेफ्टी बोर्ड थे वो भी हटा लिए जा चुके हैं, बीच का डिवाइडर बन गया है, इसमें बस मिट्टी डालनी बाकी रह गई है। आपातकालीन इमरजेंसी के टाइम पे दोस्तों अगर कुछ हो जाता है इस रैपिड रेल के अंदर और पब्लिक फंस जाती है तो यहाँ से ये देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए हुए हैं, देख सकते हो ये वाले, तो यहाँ से ये आम जनता को उतारा जा सकता है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए हुए हैं दोस्तों, एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं इसी तरीके से, क्योंकि ऐसा हो ना भगवान करे यार, लेकिन फिर भी इसमें भविष्य को रखते हुए कुछ तकनीकी कुछ खराबी की वजह से यहाँ पर ये एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों पूरी 82 किलोमीटर के रूट में दोस्तों। तो आप लोग इंजॉय करो, दिखाते हैं चल के आप सभी को मोदी नगर साउथ RRTS का स्टेशन दोस्तों, उस पर क्या कुछ वर्क किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ से आप सभी देख सकते हो ये सेफ्टी बोर्ड उठाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से, क्योंकि डिवाइडर बन गया है और इसमें मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। देखो उधर भी ये बनाया गया है दोस्तों इमरजेंसी मतलब लैंड के लिए, उधर भी एक एग्जिट पॉइंट बनाया गया है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो जितने सेफ्टी बोर्ड थे वो बीच में रख दिया, डिवाइडर बन जाने के बाद में दोस्तों इसमें मिट्टी डाली जाएगी और प्लांटेशन कर दिया जाएगा दोस्तों। ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा रूट दोस्तों, वैसे तो ये ऊपर का हिस्सा तो बन के कम्प्लीट हो गया है, लेकिन आगे चलते हैं दिखाते हैं चल के इसमें ट्रैक स्लैब कहीं कहीं बिछाने के लिए बाकी बचे हैं, तो वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। देखो सारे सेफ्टी बोर्ड हटा के बीच में रख दिए हैं और इसी में मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों
इस पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे और कितना ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों क्या 20 अक्टूबर को श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस रैपिड रेल का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों, जिसमें से 17 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों, साहिबाबाद से लेकर और दुहाई डिपो तक इसका मुहूर्त कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो आप लोग 21 तारीख में आकर इस रैपिड रेल का भाई साहब लुत्फ़ उठा सकते हो, इसका ट्रेवल कर सकते हो दोस्तों, और वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हो आके दोस्तों। तो आप लोग देखो, चलते हैं मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर, आप लोगों को दिखाते चल के और बताते चल के आप सभी को कि वहाँ पे क्या कुछ वर्क किया जा रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो गया है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, एंजॉय कीजिए आप सभी दोस्तों। इसका कॉन्कोर्स लेवल तो बनकर पहले ही कंप्लीट हो गया था, प्लेटफॉर्म लेवल पर काम किया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि रूफटॉप हो गया और भी काम हो गया वो ही किया जा रहा है। तो दिखाते हैं चल के आपको क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट कहां कहां बनाए जा रहे हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर क्या क्या काम किया जा रहा है, वो आप सभी को मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो ये आ चुके हैं मोदी नगर साउथ RRTS का स्टेशन, जिस पर रूफटॉप का स्ट्रक्चर बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो एक तो उस साइड में देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, उसका फाउंडेशन का काम कर लिया जा चुका है। देखो दोस्तों यहाँ बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, देखो ये JCB खुदाई कर रही है दोस्तों, देखो फाउंडेशन का काम कर लिया जा चुका है और वो किया भी जा रहा है मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। देखो वो फाउंडेशन का काम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है दोस्तों, देखो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। एक एंट्री एग्जिट पॉइंट उधर बनाया जा रहा है, देखो उसका भी फाउंडेशन बना लिया जा चुका है दोस्तों, वो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से।